नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से आई हुई वैकेंसी की, तो पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। पूरा डिटेल दोस्तों आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दिया गया है, तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोजगार बिहार आपको गूगल में सर्च करिएगा तो रोजगार बिहार तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताई गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL की ओर से जो है ये निकाला गया ये वैकेंसी, और ऑनलाइन की जो शुरुआत हुई है वो है 8/4/2022 से शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 18/4/2022 है। एग्जामिनेशन फीस जमा करने की, एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट तारीख जो है वो आप देख पा रहे होंगे 18/4/2022 है, और CBT एग्जाम डेट जो है आपका 12/5/2022 है। यहीं आप नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन फीस भी आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस में आप देखेंगे जनरल, EWS, BC, EBC पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए ₹1,000 है। वहीं जनरल, EWS, EBC, BC फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए ₹250 है, और SC ST और जितने भी दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे ₹250 रखा गया है। और एग्जामिनेशन फीस जमा आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से। उम्र जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 31/12/2021 को, ठीक है, 31/12/2021 को कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी को कोई भी एज में छूट नहीं दी गई है, यानी सभी कैटेगरी को यही एज रखा गया है 21 से 50 साल। आगे देखेंगे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और सीट दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट पोस्ट के लिए 5 सीटें हैं, जो कि सिंपल आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए भी 14 सीटें हैं, जो कि आपका सिंपल ग्रेजुएशन पास है तो आवेदन कर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 15 पोस्ट है, और वही सिंपल ग्रेजुएशन पास है तो आवेदन कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क की आप देखेंगे तो 28 पोस्ट है, BCom वाले के लिए ये है। लीगल सुपरवाइजर में 6 पोस्ट है, LLB, BA LLB, BBA LLB वाले आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल जो है वो आपका 10 पोस्ट है, और BTEC, BSc इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। AEE आप देख सकते हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर। GTO जो है आपका 8 पोस्ट है, BTEC, BE, BSc नर्सिंग इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से नर्सिंग निकल गया था, तो इंजीनियरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियर जो है आपका सिविल में भी 2 पोस्ट है और वही क्वालिफिकेशंस है। अकाउंट ऑफिसर में भी 10 सीटें हैं, CA, ICWA वाले आवेदन कर सकते हैं। या रेवेन्यू ऑफिसर का आप देख सकते हैं 2 सीटें हैं, इसमें भी BE, BTEC, BSc वाले आवेदन कर सकते हैं। और असिस्टेंट IT मैनेजर में 27 पोस्ट है, BE, BTEC वाले आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें भी आपको दिखाई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक उपलब्ध करवाया गया है, लॉगिन करने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया गया है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है बिल्कुल इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल है। यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी बताई गई है, तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे अगर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करते ही देखिए आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम भरना है, कैंडिडेट का मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। भरने के बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपका आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसमें आप अपेयरिंग है या पास है वो आपको बताना होगा। कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड करेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट का नाम लिख देना है, और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा, और यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं, लैंड लूजर या लैंड डिस्प्लेसड तो यहाँ पे नो कर देते हैं, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर से के रिलेटिव है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और यहाँ पे आप अगर दिव्यांग है तो आपको बताना होगा, यहाँ पे नो कर देते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा।
डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डालने के बाद यहाँ पे ईमेल है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो वो डाल देना है, और ये कैप्चा यहाँ पे भरकर टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करें और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल को फिल कर देना है। क्योंकि ये इंटरनल वैकेंसी है तो जब तक एम्प्लॉय कोड नहीं होगी तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, जो डिपार्टमेंटल है वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दिया होगा कि इंटरनल वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कहेंगे इस फॉर्म को कम्प्लीट करने के लिए तो मैं आपको कम्प्लीट करके भी नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जिनका मैं मुझे आवेदन करना था उन्होंने अपना एम्प्लॉय कोड अभी मुझे उपलब्ध नहीं करवाया था, इसलिए फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट एम्प्लॉय कोड मुझे मिलता है मैं आपको अब ये फॉर्म कंप्लीट करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।